प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में कहा है कि अमित एक आयताकार घर खरीदने की योजना बना रहा है और घर का नक्शा नीचे दिया गया है। डिजाइन और माप इस तरह से किया गया है कि 2 बेडरूम और किचन का कुल क्षेत्रफल 95 मीटर स्क्वायर है। इसमें जो इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, अमित इज द प्लानिंग टू बाय ए द रेक्टेंगुलर हाउस एंड द लेआउट ऑफ द हाउस इज गिवन ब्लॉक। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ द 2 बेडरूम्स एंड द किचन टुगेदर इज 95 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आगे हैं क्योंकि एक केस स्टडी है, उसमें लिखा है उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां आप देखेंगे कि इसमें इंग्लिश में लिखा है बेस्ड ऑन द अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, इस स्थिति के लिए 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स फॉर दिस सिचुएशन इज, तो हमें यहाँ इक्वेशन बनानी होगी एक्स और वाई की फॉर्म में। हमें एरिया गिवन है, एरिया 2 रूम्स का है और किचन का है। तो सबसे पहले कॉमन सी बात है कि बेडरूम की जो लेंथ है वो क्या है और उसकी जो विड्थ है वो क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, उनको फोकस करना है। तो आप यदि बेडरूम की बात करेंगे तो बेडरूम की जो लंबाई है, लेंथ है, वो एक्स है, उसकी चौड़ाई 5 है। किचन बाथरूम जो है, बाथरूम 2 मीटर्स का है, फिर किचन वाई मीटर है बट चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। एज दूसरे बेडरूम जो है उसकी लंबाई भी एक्स मीटर होगी और चौड़ाई भी है उसकी 5 मीटर होगी। लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज 5। तो हमारे पास ये 2 बेडरूम हो गए और एक किचन है, इन तीनों का एरिया हमें गिवन है 95 मीटर स्क्वायर। जबकि एक बेडरूम का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x होगा। यदि हम बात करें तो 5x जो होगा वो एक बेडरूम का एरिया होगा, लेकिन लेंथ सेम है दूसरे बेडरूम की भी और विड्थ भी सेम है, तो इसको हम डबल कर दें, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां हम लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x + 5x + एरिया ऑफ किचन। किचन में वाई लेंथ है और विड्थ जो है 5 है, तो यहाँ 5y हो जाएगा, लेकिन इनका जो टोटल एरिया गिवन है वो 95 मीटर स्क्वायर है। यदि हम बात करें कि यहाँ पर ये 5x + 5x 10x हो गया, इस 10x और ये 5y 95 में, यदि 5 से हम कॉमन ले लें, डिवाइड कर दें, या हम इसको लिखें 10x + 5y = 95 और 5 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 2x + y = 19। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स आपकी बनी, जिसमें हमें देखना होगा कि इन 4 ऑप्शंस में से एक आपका ऑप्शन सही है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है कि वहां पर आपको कहा है कि जो x+y है, ये x है, ये y है, इन सब का सम क्या होगा। तो x+y में कहा है कि ये x है, ये 2 है, ये y है, इन सब का सम जो होगा वो आपको गिवन है यहाँ 15। तो यहाँ हम लिखेंगे x+y + 2 = 15, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ प्लॉट 15 मीटर है। तो ये x+y = 15 - 2 और x+y = 13 होगा, और इस तरह से आपकी ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे आप कौन सा ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है सी। सी इज द करेक्ट आंसर इज 2x+y = 19 एंड x+y = 13, जो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इस स्थिति में बने रैखिक सेकंड युग्म का हल क्या होगा। अब इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहां उसने पूछा कि कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। आदित्य यूनिक सॉल्यूशन है। नंबर 3, अपरिमित रूप से अनेक यानी कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और डी है 2 सॉल्यूशन। तो यहां हमारे पास कंडीशन आती है कि हम कैसे चेक करें कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। तो हमारी कंडीशन होती है कि a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2 होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहां कंपेयर करें कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1। तो यदि आपके पास 2/1 ही आ गया और b का कोएफिशिएंट यहां 1 है और यहां भी 1 है, तो ये 1/1 आ गया, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो बी पार्ट होगा। यदि ये दोनों रेशियो सेम होती तो आप कहते हैं नो सॉल्यूशन, यदि तीनों से सेम हो जाती तो आप कहते हैं इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो
या तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इन्वायरमेंट सॉल्यूशन होगा। टू सॉल्यूशन कभी नहीं होते। तो हमें जनरल समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या कभी जनरल सॉल्यूशन या मोर देन वन, या तो वन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर आप कहेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया कि यहाँ इक्वेशंस आप देख रहे हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म की गई, दोनों इक्वेशन बन गई। एक्स और वाई के लिए पूछा गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप कंफर्म कर दें कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया बिकॉज ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन है, तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन हुआ। नंबर तीन, उसमें कहा गया है कि रैखिक समीकरणों युग्म में द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, मीन्स द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसी होंगी वो, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, कोलिनियर होंगी, संरेखीय होंगी, संपाती होंगी, या परिच्छेदी होंगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें आपका इंटरसेक्टिंग या परिच्छेदी लाइन उनको कहते हैं। तो यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है वो डी पार्ट होगा। जब हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे के यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन को वेरीफाई करती हैं तो हमें वहाँ पर उनका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे एज 2x+y=19 है, तो सेकेंड इक्वेशन x+y=13 है। यहाँ आप इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर वाई कैंसिल हो जाएगा, देन ये 2x-x होगा और 19-13 जो है वो 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आएगी। और यदि हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो यहाँ पर आएगा x+y=13 है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप 13-x करेंगे और x की वैल्यू आपने 6 फाइंड की है तो y=7 होगा। तो यदि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव तो उसमें आपके पास जो पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है फोर्थ पार्ट में, एक्स का मान क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, तो आपने एक्स की वैल्यू को निकाला 6 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 मीटर होगा। फिर उसमें पूछा गया कि वाई का मान क्या है, तो वैल्यू ऑफ वाई आपके पास 7 मीटर है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।